तमाम सभी साथियों को जय जोहार, हुल जोहार, जय हिंद। आज यहाँ हमारे जातीय वर्गीकरण को लेकर जो यहाँ क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर STSC समुदाय की ओर से और सारे जितने भी लोग हैं जो आज यहाँ भारत बंद का आह्वान किया गया था, ये सफलतापूर्वक चल रहा है। सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो जितने भी लोग सहयोग कर रहे हैं सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। क्योंकि ये जो नियम पास किया जा रहा था, बात की जा रही थी इस पर, क्योंकि इसको बंद करना बहुत जरूरी है। ये लोग हमारे साथ, हमारे ये एक छोटा सा पहलू है, ये एक बिंदु है जिससे आरक्षण को बर्बाद करने, खत्म करने की शुरुआत की जा रही है। हम सभी को ये बात समझना होगा। आज इसके जरिए छोटे छोटे वर्गों में, ऐसे तो इतने वर्गों में हम लोग को तोड़ के रख दिया गया है जहाँ सभी मूल्यवान से हम लोग एक थे, और अब धीरे धीरे हमारे जाति के बीच भी आरक्षण के अलग तरीके से तोड़ तोड़ कर वर्गीकरण कर हमें बीच में बांटने की कोशिश की जा रही है। इस षड्यंत्र को हमें समझना होगा, सारे मूल निवासियों को, सारे यहाँ के मूल लोगों को इस बातों को समझना होगा। नहीं तो इसी तरह धीरे धीरे हम लोग का बंटाधार कर दिया जाएगा और आने वाला कल में आरक्षण के देश से खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए आरक्षण के पक्षधर है, इसलिए है क्योंकि देखिए हमारे यहाँ लोग, हमने जातीय भेदभाव सहा है, जातीय पीड़ा सही है, और अब यहाँ आप बोलिए कि यहाँ आरक्षण आपको नहीं मिलना चाहिए, बंद होना चाहिए, कदापि नहीं, हम लोग खत्म होने देंगे कभी नहीं। क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं हमारा लेटरल इंट्री आजकल शुरुआत हो गया, ISIPS को लेकर, बड़े बड़े पदों को लेकर, यहाँ कॉलेजियम सिस्टम से हमारे यहाँ जज बनते हैं। और बताइए, एक छोटा छोटा ग्रुप डी का नौकरी करने वाला के लिए भी सब में परीक्षा देना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी, हर एक चीज सिस्टम से हो। सीधी सी बात, हमें केंद्र सरकार से बारंबार निवेदन है और जितने भी सारे लोग हैं, ये बात सबों को समझना होगा कि जब हमारे छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे जगहों पर हमारे लोग बन रहे हैं, कुछ भी चीज में एग्जाम पास करते हैं, नीतिगत रूप से बनते हैं, तो फिर बड़ा बड़ा जज ऐसे कॉलेजियम सिस्टम से क्यों बनता है। इन बातों को सबों को समझना होगा, नहीं तो आने वाले कल में ऊपर में सब अपने 5% लोग बैठेंगे और आप नीचे तड़पते रहिएगा, आप नीचे देखते रहिएगा, ऊपर वाले सब उनके लोग रहेंगे। तो उस समय आपकी बात को समझने वाला, सुनने वाला, आपके लिए बोलने वाला, लड़ने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि सारे चीजें ऊपर नीतिगत ध्यान निर्धारित होगी। सभी लोगों को एकजुट रहना है। जितने भी तमाम युवा साथी आए हैं, और हर एक जगह अच्छा रहा, असरदार है, पूरा भारत बंद है, जितने भी लोग ने आह्वान किया सभी लोग संयुक्त हुए, संयुक्त रूप से सभी इसमें साथ हैं। इसी तरह जब जब ऐसा कुछ जुल्म आएगी, जब जब संविधान को बदलने की बात होगी, जब जब आरक्षण के साथ छेड़खानी करने की बात होगी, तब तक हम सभी युवा साथी साथ रहेंगे। जोहार, उल जोहार, जय हिंद।